रहेगा, मतलब वो लजिट ऐसा लग रहा है जैसे सुनामी आ रही हो। ऊपर बिल्कुल आसमान साफ है, देखो वहाँ पे तारे भी चमक रहे हैं, बट वहाँ पे बादल है और वो साइड में से ऐसा लग रहा है जैसे मूवी में नहीं दिखाते सुनामी आ रही है वैसे आ रही हो। एक बार ना तुम लोग ध्यान से कान लगा के सुनो, तुम्हें दूर दूर तक कुछ नहीं सुनाई देगा सिर्फ मेरी आवाज के सिवा, क्योंकि भाई है ही नहीं अभी कुछ। अभी इट्स ऑलमोस्ट 1 इन द मॉर्निंग और इन द नाइट शुड आई से, सिर्फ हल्का फुल्का जितना ट्रैफिक है उसकी आवाज़ है, और मैं उसके लिए भी सरप्राइज हूँ कि रात के 1 बजे तक ट्रैफिक चल रहा है। बाकी वो पता तुमको भी है मेरे को भी है किन लोगों का ट्रैफिक है वो, और कहीं दूर गाने बज रहे, वो भी बल्कि हल्के हल्के से गाने, वो भी सुनाई नहीं दे रहे, बस यार मेरे दिमाग का वहम में बज रहे हैं। खैर अभी जैसे मैं तुम लोगों को बताया इट्स ऑलमोस्ट 1 इन द नाइट, और अभी जो है मैं एक बहुत ही बढ़िया मूवी देख के हटा, फैंटेसी आइलैंड करके मूवी का नाम था, और मेरे को ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगी, मतलब काफ़ी इंप्रेसिंग, काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट था उस मूवी का, तुम्हारी फैंटेसीज जो है वो पूरी क्यों नहीं होनी चाहिए। बट एनीवेज सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया। और आज ना एक और छोटी सी दिक्कत है, मैं ना पूरे रूम में कपड़े सूखने डल रखे हैं, जिस करके मैं अच्छे से अपने रूम में खुल के व्लॉग भी नहीं कर सकता। सो हाँ, वो वाला एरिया नहीं दिखा सकता, सिर्फ ये वाला एरिया दिखा सकता हूँ अभी। तो खैर तुम लोग मानोगे नहीं, मेरे गले की ना ऐसी की तैसी बज रखी है, आवाज़ में इतना फ़र्क नहीं लग रहा होगा, बट मेरे को खुद को इतनी ज़्यादा कफिंग हुई ना अभी, इतनी ज़्यादा मूवी देखते देखते कहने की हद नहीं। और मज़े की बात क्या है, इतनी ज़्यादा कफिंग होने के बावजूद मैं गया और एक चिप्स का पैकेट लेके आया, मतलब पड़ा तो कैबिनेट में ही था, अगर तो तुम लोगों ने कल का व्लॉग देखा होगा तुम लोगों को पता होगा। और भाई ये जो ये वाले चिप्स है ना, मतलब खांसी में ये तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, चिली लेमन लिमोन। अभी तो खैर जैसे मैं तुम लोगों को बताया इट्स ऑलमोस्ट 1 इन द नाइट, ये मैं तीसरी बार ही बता रहा हूँ, और मेरा प्लान तो ये है कि मैं 5 बजे के करीब उठ जाऊँगा, मतलब अगर 2 बजे तक भी सोऊंगा 3 घंटे की नींद बहुत है, फिर पूरा दिन अब हमने सोना ही है। तो वहाँ अभी तो फटफट इसको खोलते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। हाँ कितने बढ़िया लग रहे हैं यार, क्रिस्पी क्रिस्पी से। एक बार क्रंच सुनना तुम लोग, क्योंकि अभी शांति है ना, बड़ा प्यारा लगेगा। बहुत कर इनको गर्म करते हैं, फिर आराम से तुम लोगों को नेक्स्ट फ्रेम में मिलते हैं। अभी ब्लॉग बोर हो रहा था तो कुछ था नहीं, तो इसलिए ब्लॉग शुरू कर लिया। तो नेक्स्ट फ्रेम तक के लिए बाय बाय। यार मैं गया, मेरे को लगा अभी मैं गिरता घर से निकलते हुए ही। वैसे सही बात बताऊं, 3 घंटे की नींद ना सफिशियंट नहीं है। मैं 1:30 बजे करीब सोया और अभी 5:30 बज रहे हैं, वही 1:30 बजे सोने गया तो सोते सोते 2 बज गए, उसके बाद अभी उठा 5 बजे उठा, 5:30 बजे तक तैयार हुआ, साइकिलिंग करने आ गया, और भाई मेरा दिमाग ना बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर पाया। एक तो ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है, ऊपर से भाई मतलब क्या ही कह सकते, मौसम ही बड़ा गंदा हो रखा है। क्या वैसे तो चाहता तो मैं आज की साइकिलिंग बड़े प्यार से स्किप कर सकता था, बट अगर मैं आज की साइकिलिंग स्किप करता ना तो 3 दिनों का नागा पड़ जाता, और वो मैं तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं तो 2 दिनों का भी अफोर्ड नहीं कर सकता, 3 दिन तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, ना चाहते भी आज की साइकिलिंग अपने को करनी पड़ रही है, अभी जाना पड़ रहा है। बट एक बात बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा है, मतलब ठंडा पड़ा मौसम, सो साइकिलिंग करने का ना मज़ा आ जाएगा। अब तो खैर ब्लूटूथ से अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, आराम से गाने लगाते हैं, तो तुम लोगों को आराम से साइकिलिंग करते हैं। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना तो वहाँ पर ना तुम लोगों को एक बादलों का पैच दिख रहा होगा, मतलब वो लजिट ऐसा लग रहा है जैसे सुनामी आ रही हो। ऊपर बिल्कुल आसमान साफ है, देखो वहाँ पे तारे भी चमक रहे हैं, बट वहाँ पे बादल है
और वो साइड में से ऐसा लग रही है जैसे मूवी में नहीं दिखाते सुनामी आ रही है वैसे आ रही है, मतलब वो पूरा एरिया डार्क है जैसे या तो पहाड़ों वहाँ पे या सुनामी आ रही है। तो चलो अभी तो अपनी हाफ एक्सरसाइज तो डन हो चुकी है, घर ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहाँ से सीधा फिर लेफ्ट फिर सीधा सीधा अपना घर आ जाएगा। तो अब घर भी पहुँचना है। और आज मैंने एक और चीज़ करी, आज मैंने ना गाने सुनने की जगह ना पॉडकास्ट सुना, और भाई मतलब पॉडकास्ट ज़्यादा बढ़िया टाइम पास कराता है गानों के कंपेरेटिवली। गाने तो फिर भी तुम्हें थोड़ा सा बोर कर देंगे, पॉडकास्ट बोर नहीं करेगा कभी भी भाई। मेरे लिए ना 3 घंटे की नींद बिल्कुल भी सफिशियंट नहीं है, मतलब मेरे दिमाग ने प्रोसेस करना बिल्कुल बंद कर दिया। वैसे तो मैंने अपने रूम का ऑलमोस्ट सारा खलेरा उठा लिया, बस वो जीन और थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है, मैंने अमेजोन से कुछ मंगवाया था, इसका डब्बा अभी तक एज इट इज पड़ा है। वैसे तो फ़ोन का कवर मंगवाया था, अब मेरे को नहीं पता है फ़ोन का कवर गया कहाँ पे, 3 दिन पहले आ रखा बस फ़ोन के कवर का डब्बा पड़ा रखा, और पतले से फ़ोन के कवर के कितना बड़ा डब्बा दिया इन्होंने। अब तो जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, मैं दिमाग ना धीरे धीरे प्रोसेस करना बंद कर रहा है, मेरी आंखों में नींद देखो तुमको दिख रही होगी। और अभी लेकिन थोड़ी देर तक यार बिना ब्रेकफास्ट कर तो सोया नहीं जाएगा, अभी सफाइयाँ भी होनी, मम्मी की डस्टिंग में भी हेल्प करानी है, तो अभी तो सोने का कोई फायदा नहीं है। बाकी बाद का सीन क्या है, जब हम सफाइयाँ वगैरह करा के फ्री होंगे ना, तब हमने मेरे कज़न के घर भी जाना है, क्योंकि मेरे आज एक कज़न का बर्थडे है, तो उनको गिफ्ट दे के आना है। भैया आज का शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक है, मम्मी पापा ने भी कहीं जाना है आज शाम में, तो उनका भी शाम का शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहेगा। मैं और जी तो खैर घर पे रहेंगे, सो पता नहीं यार अब आज का दिन कैसा जाएगा। अब तो खैर बाहर चलते, बाहर चल के ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि भूख लग रही है, क्या पता ब्रेकफास्ट से मेरी नींद खुल जाए। कॉफ़ी बनाता हूँ यार अपने लिए, कॉफ़ी लस्सी पीने का मन कर रहा है वैसे, लेकिन यार लस्सी वही और सस्ती चढ़ाएगी देख तो वैसे तो मेरे को हल्का हल्का डर ही लग रहा है, क्योंकि इस मक्खन को ना मैं धूप के पास लेके आ रखा हूँ, कभी पिघल ही नहीं चाहते, इसको साइड ही कर लेते हैं। बट एक बार तुमने इस मक्खन की शेप चेकआउट करो, जैसे वो कृष्णा बटर बॉल वाला वो नहीं है स्टोन बोल्डर टाइप, बिल्कुल वैसा सा ही लग रहा है, गोल गोल सारे घर का निकला हुआ मक्खन है। और यही हमारा आज का ब्रेकफास्ट होने वाला, मक्खन आधे घंटे के साथ गर्म गर्म परौंठियाँ, आलू की नहीं प्लेन, वो आलू थोड़े से ही उसकी क्या ही परौंठियाँ बनेगी। एक तो भाई साहब हमको तो उम्मीद थी भी सर्दियां आ चुकी हैं, बट ना 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 अभी कहाँ से, अभी तो मौसम ने दोबारा रुख पलट लिया है, गर्मियाँ दोबारा आ चुकी हैं। अभी तो खैर बाहर जाने का वैसे तो प्लान नहीं था, बट जैसे मैं तुम लोगों को पहले बताया था अपन लोगों को मेरे कज़न के घर जाना है, वह तो शाम में बर्थडे सेलिब्रेशन भी है, बट यार मम्मी पापा और हम सभी को शाम में शायद से कहीं इंपॉर्टेंट जाना है, एक्चुअली किसी की खबर लेने जाना है। वैसे तो मेरा तो अभी 80% है जाऊँगा, 20% है कि नहीं जाऊँगा, बट हाँ मम्मी और पापा का तो पक्का ही है। अभी तो अपन लोग फटफट चलते हैं, साथ में ये भी मार्केट में वापस करके आना चल रही है, ये सारे काम निपटा जाते हैं, फिर देखते हैं शाम को जैसे भी होगा, तुम लोग देख ही लोगे मेरे साथ। मैं ना कल जिस भी दुकान पे गया ना, हर किसी को ना कह के थक गया भी, हाँ भाई लिमका का नया फ्लेवर आया, लिमका का नया फ्लेवर आया, लिमका का नया फ्लेवर आया, बट कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। जब मैं मार्केट गया ना, मतलब मामू के घर से आने के बाद मैं दीदी घर पे आए, फिर मैं और दीदी मार्केट गए कुछ सामान लेने के लिए, चिप्स वगैरह लेने के लिए अपने लिए, और कोई प्लान नहीं था मैं व्लॉग करने का, वो तो कुदरती मेरे को वहां पे ये दिख गई। और भाई देखो मैं कह रहा था ना, अब पता नहीं इसका कलर तो सेम लिमका जैसा ही है, कितना फर्क है इसमें और नहीं, बट हाँ लिमका का नया फ्लेवर आया है, आई वॉज राइट। वैसे तो भी अपन लोग मार्केट से काम निपटा के घर तो वापस आ चुके हैं, अभी तो खैर फटफट चलते हैं, इसको वैसे यहीं पे रुक के टेस्ट कर लेता हूँ फटाफट की है कैसा सा टेस्ट, मतलब मेरी इतनी जगह पे बेइज्जती हुई लोगों ने कहा है लिमका का नया फ्लेवर, वो क्यों हुई मेरी बेइज्जती, इसको पी के देखते हैं खुल जा कितनी डिफरेंट है नॉर्मल लिमका से, क्योंकि कलर तो डिटो सेम ही है। लिमका में ना हल्का सा नींबू डाल दो और उसकी गैस निकाल दो, बिल्कुल यही चीज बनेगी, बट ओवरऑल ठीक है, एटलीस्ट आई वॉज राइट, इवन दो मेरे को इतनी पसंद नहीं आई है, बट हाँ आई वॉज राइट।
अभी तो खैर जो चिप्स लेके आए हैं वो खोलते हैं, इसको पीते हैं आराम से, अपनी दोपहर इंजॉय करते हैं। वैसे तो 3 बज चुके, तो वी आर मच मच क्लोजर टू शाम देन वी आर टू दोपहर। फिर देखते हैं आराम से आज का शाम और क्या क्या नई चीजें लेके आता है। साला लिमका ने स्वाद तो क्या लाना था, गला खराब ज्यादा कर दिया। और इस टाइम पे इरिटेशन इतनी ज्यादा हो रही है ना, मैं ना जस्ट फॉर सम रिलीफ, आई डोंट नो भी रिलीफ मिलेगा या नहीं, तुलसी का पत्ता चबा रहा हूँ। होप से इसे थोड़ा सा ठीक हो जाए, अदरवाइज यार रात काली हो जाएगी। क्योंकि अब मैं कल्ला, अब इट्स ऑलमोस्ट 6:30 और बाहर अंधेरा भी होना शुरू हो चुका है, और अब मैं घर पे कल्ला हूँ। मतलब मम्मी पापा जा रखे हैं और आज की रात शायद से मैं कल्ला ही रहूँगा पूरा दिन, पूरी रात मतलब घर पे। तो अब जैसे चाहे वैसे ही रह सकते, अपने को कोई टेंशन नहीं, आराम से बाहर से ताला लगा दूंगा, बाथरूम से आऊँगा और सो जाऊँगा, मस्त नींद सोऊंगा। क्योंकि दीदी भी जा रखे हैं, मम्मी पापा भी जा रखे हैं। हाँ दीदी थोड़ी देर के लिए घर आए थे, रेस्ट करा, फिर वापस से चले गए क्योंकि उन्होंने भी कहीं काम जाना था। सो हाँ ठीक है, आज का चिल सीन है, आज अपन लोग घर पे रहेंगे आराम से, मैं कल्ला, पूरा घर मेरे से। वैसे तो मम्मी खाना बना के गए हैं, बट भाई यार अब घर का कौन नहीं खाएगा, मैं तो जोमेटो से मंगवाऊंगा। तो अब ऑलमोस्ट शाम के 7 बज चुके हैं, मतलब अभी आधा घंटा है। अपन लोगों के पास दिखाने को कुछ नहीं बचा, तुम लोगों के पास देखने को कुछ नहीं बचा, तो इसी नोट पर करते हैं आज वीडियो को एंड। होप करता हूं तुमको आज वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल भी मिलेंगे एक नई जर्नी एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू।